चाह रही थी कि जो ये ई क्लिनिक है, ये स्वास्थ्यालय के नाम से जो स्टार्ट हुआ है, जिन बीमारियों की चपेट में गांव वाले आते हैं, छोटी बीमारियां बड़ी बन जाती है, हम उनको एक स्वास्थ्य प्रदान कर सकें। गाँवों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, उनकी हेल्थ चेकअप और उन लोगों को जो बीमारियां लेकर वो जो बड़ी कर लेते हैं उसके इलाज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें। ई क्लिनिक खोलने का काम आज बनेरा खुर्द में किया है और मैं समझता हूँ कि यहाँ से वर्चुअल उसके माध्यम से वो यहीं से पेशेंट से पूछ सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कि उनको शहर में ना जाना पड़े, उनको सारी स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में ही हासिल हो जाए। प्रथला के गांव पनहीरा खुर्द में सर्वोदय अस्पताल द्वारा पहला अस्पताल शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नैनपाल रावत ने विधिवत रूप से रिबन काट कर किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस अस्पताल का फायदा मिलेगा, उनके समय की बचत होगी और ग्रामीण क्षेत्र में भी अब अच्छी चिकित्सक सुविधाएं उनको मिल पाएंगी। देखिए, हमारे जो सर्वोदय हॉस्पिटल है, आज उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बहुत सराहनीय कदम उठाते हुए एक ई डिस्पेंसरी, ई क्लिनिक खोलने का काम आज बनेरा खुर्द में किया है और मैं समझता हूँ कि यहाँ से वर्चुअल उसके माध्यम से वो यहीं से पेशेंट से पूछ सकेंगे। उससे जो पेशेंट हैं लोकल हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, उनको एक तो किराया भाड़ा बच जाएगा, समय उनका बचेगा और कोई जितनी भी अगर कोई क्रिटिकल पोजिशन होगी तो उसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करा लेंगे, अन्यथा पेशेंट को यहीं पे जो इलाज वहाँ जाने से मिलता है वो गाँव में मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सर्वोदय हॉस्पिटल का एक लोगों के लिए, समाज के लिए एक बहुत सराहनीय कदम है। मैं इसकी प्रशंसा भी करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम किया। दिखाई दे रहा ये नज़ारा है पनहेड़ा खुर्द गांव का, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पृथला के विधायक नैनपाल रावत ने फरीदाबाद के पहले ई क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस अस्पताल का मुख्य उद्देश्य लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं देने का है और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पहले चरण में मोतियाबिंद से फ्री ऑफ कॉस्ट मुक्ति दिलाई जाएगी। सर्वोदय फाउंडेशन द्वारा यह अभियान पहले चरण में चलाया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में भी टीवी के मरीजों को फ्री में इलाज कर उनको फ्री दवाएं भी इनकी तरफ से दी जाएंगी। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और उनको समय पर अच्छी सुविधाएं मिले, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। देखिए, आज यहाँ पर सर्वोदय हॉस्पिटल ने डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कि उनको शहर में ना जाना पड़े, उनको सारी स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में ही हासिल हो जाएं, चाहे उनका टेस्ट है, चेकअप है, उनको दवाई देना है, उनका टेस्ट है, सब कुछ गांव में ही उनको उपलब्ध हो जाए, शहर के हॉस्पिटल में कम से कम जाना पड़े, उसके लिए यहाँ उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव पनहेड़ा खुर्द में आज एक क्लिनिक खोला है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सारी सुविधाएं वर्चुअली उसको हॉस्पिटल से भी लिंक किया जाएगा और यहाँ पर उसकी यहाँ पर डॉक्टर होंगे, वो उनकी सारी देखभाल करेंगे, टेस्ट करेंगे और यहीं से ही जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे उनसे वहाँ की उनसे मीटिंग करा के ऑनलाइन उनको सारी यहीं पर बैठे हुए उनकी प्रिस्क्रिप्शन उनको मिल जाएगी, उनको शहर नहीं जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी सुविधा सर्वोदय हॉस्पिटल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू की है और आने वाले समय में ये सुविधाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ें ऐसी हम उम्मीद रखते हैं और सर्वोदय हॉस्पिटल इस क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहा है और आगे और भी प्रयास करेंगे, ऐसी हमें उनसे उम्मीद है। वैसे भी देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी का एक सुविधा है स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ इंडिया, और उसके लिए उन्होंने हेल्थ सेक्टर में इस बार बजट को 137% बढ़ाने का काम किया है। जो 94,000 करोड़ का बजट होता था स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, इस बार उसको 232,000 करोड़ तक उसको बढ़ाया गया है और इसलिए स्वास्थ्य में ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ज़रूरत है और उसके लिए मैं समझता हूँ
ये प्रयास एक सार्थक प्रयास है, इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में मिले। थोड़ी ही फीस रखी गई है प्राइमरी लेवल की जो है, लगभग 100 से लेकर 200 रुपए तक की कंसल्टेशन रहेगी यहाँ पे, जो डॉक्टर यहाँ पर बैठेंगे जो सलाह मशवरा करेंगे। लेकिन अगर इसके लिए कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसको भी कंसेशन रेट पे करा जाएगा, और अगर यहाँ से कोई पेशेंट आगे जाता है तो उसको जो वाजिब डिस्काउंट है वो भी दिया। वहीं प्रथला के विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि वे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और डॉक्टर राकेश गुप्ता का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि उनके क्षेत्र में सबसे पहले यह सुविधा दी गई है। इससे जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का समय और पैसा दोनों की बचत होगी, वहीं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मैं अंशु गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर सर्वोदय। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि जो ये ई क्लिनिक है, ये स्वास्थ्यालय के नाम से जो स्टार्ट हुआ है, इसके जो प्रमुख बच्चे हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने चाहा, मैं उनसे मिलवाना चाहती हूँ, डॉक्टर शेखर एंड डॉक्टर आदित्य, जो यहाँ पे रहकर इस तरह के ई क्लिनिक कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। और हमारा विचार ये है कि हम धीरे धीरे जितने मैक्सिमम गांव में, हर गांव में एक ई क्लिनिक हो, जो लोगों के लिए वहाँ पे एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर की सुविधा वहाँ उपलब्ध रहे। और जिस तरह से जिन बीमारियों की चपेट में गांव वाले आते हैं, छोटी बीमारियाँ बड़ी बन जाती हैं, हम उनको एक स्वास्थ्य प्रदान कर सकें, ये स्वास्थ्यालय का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो मेरा कहना है वो है सर्वोदय फाउंडेशन। यहाँ पे एज सर्वोदय फाउंडेशन जो हमारा विचार है वो है कि हम गाँव के लिए एक हिस्से का कैंपेन चलाएँ। जैसा पहला कैंपेन हम चलाएँगे अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस फ्री विलेज, तो हमारा एज सर्वोदय फाउंडेशन पहला कैंपेन होगा कि हम पनेरा खुर्द को बिल्कुल मोतियाबिंद फ्री करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में। हम यहाँ पे एक कैंप स्टार्ट करेंगे, जो जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी आंखों के, ये आगे भी अभियान जारी रहेगा। जब ये हमारा ये ब्लाइंड, ये मोतियाबिंद फ्री गांव हो जाएगा, फिर हम इसके बाद टीबी फ्री, तो ऐसे हमारी लगातार कैंपेन चलेंगी, जच्चा बच्चा को लेकर के हमारे प्रोग्राम आएंगे। तो ये एक सर्वोदय फाउंडेशन टोटली चैरिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट गांवों के लिए जितना ज़्यादा स्वास्थ्य है, ये मेरा मंत्री जी के साथ लगातार इनकी इच्छा थी। उन्होंने बहुत टाइम से मेरे से बराबर जिक्र करा कि भी हम गांवों में कैसे स्वास्थ्य दे सकें ज़्यादा ज़्यादा। तो स्वास्थ्यालय एक अलग कॉन्सेप्ट है, ई क्लिनिक जो सर्वोदय फाउंडेशन है वो टोटली गाँवों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, उनकी हेल्थ चेकअप और उन लोगों को जो बीमारियाँ लेकर वो जो बड़ी कर लेते हैं उसके इलाज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें। सर्वोदय संस्थान के डायरेक्टर ईशु गुप्ता ने बताया कि सर्वोदय फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पहले चरण में लोगों को मोतियाबिंद से फ्री करना है, और दूसरे चरण में टीबी के मरीजों को पूरी तरह से फ्री इलाज किया जाएगा। इसके अलावा जच्चा और बच्चा, इन सभी की देखरेख भी फाउंडेशन द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। हरियाणा वरदान के लिए प्रथला से सागर दहिया की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।